मेरे प्यारे शोहर, एक तमन्ना हमरी और है कहीं का, कहीं कुरान नहीं पढ़े थे, कुरान पढ़ गए। अब दूसरी तमन्ना हमारी यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। ब गुस्सा आएगा कहीं, अच्छा है, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो डई न्यू। तो कहा था, ए भाई, ए मेरे प्यारे शोहर, अल्लाह ने पांच वक्त की नमाज फ़र्ज किया है, तुम एक वक्त मेरे कहने से पढ़ लो। सुबह उठते ही हो, मुँह हाथ धुलते ही हो, सुबह उठ करके वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो तो अल्लाह का फरीज़ा भी अदा हो जाएगा और उसी के दरमियान तुम्हारी तिलावत कुरान भी हो जाएगी। और नमाज फजर पढ़ोगे तो अल्लाह ताला नमाज फजर की बरकत से चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा, चेहरे पे रौनक पैदा होगी। बीवी ने समझाया, खैर बात उसके समझ में आ गई और नमाज फजर पढ़ने लगा। नमाज फजर पढ़ते पढ़ते हफ्ता दो हफ्ता पढ़ा तो नमाज फजर की बरकत उसको ऐसी नसीब हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह पांचों वक्त का नमाजी बन गया, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। और जब पांचों वक्त का नमाजी हो गया तब बीवी ने एक दिन फिर कहा, मेरे प्यारे सरताज, एक तमन्ना हमारी और है। कहा, अब क्या है? कहा, कुरान नहीं पढ़े थे, कुरान पढ़ लिया, नमाजी बेनमाजी थे, नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना हमारी यह है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, मेरे नाक कान के जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ, हज कर लो, खुदा का वो मुकद्दस घर देखाओ जिस घर के बारे में नबी रहमत ने फरमाया, मन नजरा काबा, जिसने काबा को एक नज़र देखा, ईमान व एहतिसाबा, ईमान और अकीदे के साथ, फखरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन उस दिन की तरह, वलदतुहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। जाओ खुदा का घर तवाफ कराओ, गुनाहों से पाको साफ हो जाओगे। खुश नसीब बीवी ने समझाया, अल्लाह ने दिल में डाल दिया, तैयारी किया, सफरे हज किया और कुछ दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हो के अपने वतन वापस हुआ। पता चला, जब औरत नेक मिलती है तो इंशाल्लाह नेकियों के रास्ते भी मिल जाते हैं। ऐसी ऐसी औरतें हैं, कुरान पढ़ा दिया अपने शौहर को। ऐसी ही औरतों के बारे में फरमाया गया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से तुम इल्म दीन सीखा करो। माँ की गोद, ऐसी ही माएँ हैं जो अपनी गोद से अपने बच्चों को कुरान की तालीम देती हैं। गौसे पाक की माँ अपने बच्चे को हाफ़िज़े कुरान पेट ही में बना दिया। बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने अपनी गोद में अपने फरीद को नमाजी बना दिया। माँ माँ होती है, इसीलिए कल की माओं के बारे में बताया जाता है कि वो अपने माँ अपने बच्चों को गोद में लेके दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते अखुले आँख सल्ले आला, कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी होते थे, वो बच्चे वक्त आता था तो मैदान जिहाद में सर कटाने के लिए भी जाते थे। और आज हमारी माओ ने वो ज़िंदगी का पहलू बदल दिया। आज बच्चा रोए लागे तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ बच्चा रोए लागे बहू का उठाए के बिस्तर पटकी हैं तके भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत दी, कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। न कौनो किताब के आज तक छपी है, न कौनो एक मौलवी मास्टर मिले हैं, अल्लाह जाने कहाँ से फिटी आए ले था। हम तो देहाती आदमी बड़े विरोग से ही कहा थे, सुना करे थे कि सोए जा खनत मनत दी, कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए,
सब घर खेन कहानी बिलैया खे छू तब फूक छोड़ा थे बताओ। तो लड़का मुसलमान बनी है जब महतारी अत्ती बड़ी चुड़ियलिन है झुठिन कहते खीर बनावा तो सब घर खेन कहानी बिलैया खे बताओ। हम बुढ़ाए गए नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा और इनके मुलाकात रोज कहानी बिलैया से होत। अल्लाह जाने खुदा कहानी है कि बिलैया कहानी होत। जब माँ नेक होती है तो औलादे नेक होती है। इसीलिए तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि बे अदब माँ बा अदब औलाद जन सकते नहीं। बे अदब माँ बा अदब औलाद जन सकती नहीं। ओ मादने जर मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा सोना नहीं हो सकता ऐसे बेअदब माँ से बाअदब बच्चा नहीं। क्या बात है। इसीलिए ऐ लोगो जब निकाह का वक्त आए तो लड़कियां दीनदार तलाश करो, दौलत न देखो, जहेज न देखो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जो किसी लड़की से शादी करे उसकी दौलत को देखकर कि ये दौलत लेके आएगी, तो हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे। वो इंसान जरूर मुहताज होगा जो ये सोच कर शादी करे कि ये लड़की मालदार है हमारे पास जहेज लेके आएगी। ऐ मुसलमानों जहेज का मामला बंद करो। अल्लाह दे तो अपने लड़की को दो, देना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन मांगना हराम है। ना मांगो खुदा से मांगो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तुम्हें बेशुमार अता फरमाएगा। आज ये मदरसे के आंगन में जलसा है, आज हम और आप इल्म के बारे में नहीं सोचते। आज आलिमों के लोग दुश्मन हो गए, मौलवियों के दुश्मन। होटल पे बुराई किसी शराबी की नहीं करेंगे जी, जी, किसी जुआरी की नहीं करेंगे, किसी जानी की नहीं करेंगे। होटल पर बैठेंगे तो मौलवी की बुराई करेंगे। ऐ मौलवी की बुराई करने वालों, मौलवी भी इंसान ही है तुम जैसे, इनसे भी कमी हो सकती है। ये फरिश्ते नहीं है, ये भी इंसान है, शैतान इनके पीछे भी है, आपके साथ भी है। जब रसूलुल्लाह के साथ शैतान था, लेकिन रसूलुल्लाह की वजह से वो शैतान, एक रवायत में है कि वो हिदायत पा गया। शैतान सबके साथ में है, इनके साथ ज़बरदस्त शैतान है, इनसे भी गलती होगी तो आप इनकी गलती आकर इनसे कहो, इनको सुधारो। आप होटल में वो बताओगे तो जब मौलवी आलिम बुरे हो जाएंगे तो तुम दीन किससे सीखने जाओगे बताओ। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मोहम्मद तुम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। सरकार मर्दों के बाप नहीं, बच्चों के बाप तो हैं। सरकार के 11 बीवियां थीं, 11 बीवियों में 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, 10 बीवी से कोई बच्चे नहीं। एक बीवी थी खदीजा जिससे 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई। और सरकार की एक लौंडी थी, लौंडी लौंडी माने बांदी, नौकरानी जिसको कहते हैं, उससे एक लड़के पैदा हुए इब्राहिम। उस लौंडी का नाम था मारिया किबतिया। 3 बच्चे सरकार से पैदा हुए, तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। तो मक्का के दुश्मनों ने नबी करीम को नहसी कहना शुरू कर दिया था। क्या कहना शुरू कर दिया था बोलो? आज भी जिन औरतों से बच्चे नहीं पैदा होते तो उनको और लोग नहसिन कहते हैं। और सबका छोड़ दो, डैन ससीवा सबसे पहले कहा था, नहसिनिया नहसिनिया। ये कुफ्र की बोली है, ये बोली न बोलो गोया कि अल्लाह की मशीयत पर तुम निशाना लगाते हो।
अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे न दे, किसी की बस में नहीं है। नबी करीम को भी मक्का के लोगों ने नहसी कहना शुरू किया कि तीन बच्चे थे, मर गए, अब इनका मामला ख़त्म हो जाएगा, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो कुरान करीम की आयत अल्लाह ने उतारी सूरह कौसर, जिब्रील से फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब को नासी कहते हैं, जाके पैगाम सुना दो, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने तो तुमको हौज़ कौसर अता किया, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, कौसर का मालिक तुमको बनाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के शुक्र में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, बेशक नहसी कहने वाले तुमको खुद ही नहसी होंगे, उनकी नस्लें मिटेंगी, तुम्हारी नस्ल नहीं मिटेगी। आज अभी हजरत नाथ पढ़ रहे थे कि यजीदी, हजरत कह रहे थे ताज्जुब है कि करबला में जो कत्ल हुए वो खानदान बाकी है और जो कत्ल नहीं हुए वो खानदान फना है, यही मतलब है। बहर कैफ, सरकार किसी मर्दों के बाप नहीं, वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा हुजूर से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा हाँ। कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद जब कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोग दीन किससे सीखेंगे, दीन कहाँ सीखेंगे, कौन बताएगा दीन हमको? तो सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत में जो उलमा होंगे वो तुमको दीन सिखाते रहेंगे। मेरी उम्मत के उलमा से तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। ऐ लोगों, जब आलिमों की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखने जाओगे? विधायक जी से, प्रधान जी से जाओगे वजू का मसला पूछने? लिहाजा ऐ लोगों, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, इनके अंदर गलती हो सकती है, जब गलती हो तो इनको तन्हाई में तुम बताओ, कह दो तुम आलिम हो, तुम जमात से नमाज नहीं पढ़ते, लोग बुरा कहते हैं, तुम नहीं पढ़ोगे तो हम लोग देख करके क्या करेंगे, लिहाजा आप जमात से नमाज पढ़ा करो। अगर होटल में नमाज के वक्त देखो तो आप इनको टोको, वहाँ बुराई ना करो इनकी, बल्कि खुद टोको, और इस्लाह हो जाएगी तो अल्लाह ताला आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। लेकिन आलिमों की बुराई ना करो, ये मदरसा, इस मदरसे से लगाव पैदा करो। आज आप लोग उर्स में आए हो, बुज़ुर्गों के उर्स में, तो यहाँ से भी कुछ लेके जाओ। आज उर्स क्यों होता है? मरने वाले तो दुनिया में बहुत मरते हैं, लेकिन सबका उर्स होता है नहीं होता? तो उर्स में आए हो तो साहिब मदार से फ़ैद हासिल करो। मरना सबको है, मरो तो ऐसी मौत मरो कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। याद रखो, हजरत फातिमा जहरा हैं, रमज़ान का महीना आया, 3 तारीख थी रमज़ान की, मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए। हदीस में लम्मा नज़ला अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाज़े पे उतरा, वक़रा अलबाब, और हजरत फातिमा के दरवाज़े को खटखटाया। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन बताया मैं मलकुल मौत हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो फातिमा ने कहा था कि मलकुल मौत, फरिश्ते सुन ले, ज़िंदगी गुजर गई फातिमा की, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, लिहाजा मरते वक्त मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि तुम मेरे चेहरे को देखो, वापस जाओ। मलकुल मौत वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, आज लोग कहते हैं कि वो भी इंसान हम भी इंसान, अरे नबी का मामला छोड़ो, नबी की औलाद बेटी फातिमा को देखो कि मलकुल मौत आए हैं तो वापस हो रहे हैं, हमार तुम्हार
देखे थे बप्पा लेटे हैं, लड़कवे चारों तरफ से घेरे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गायब, हाथ दे, अरे बप्पा मर ही गया। अब रोना चिल्लाना शुरू हुआ और रोवे खातिर कुछ मेहरुए एडवांस बलई जात, कुछ मेहरुए होते मोहल्ला में यहाँ हल्ला मचावे खातिर, अहें चिल्लाते चिल्लात गिरिए धूं से, लागत है इन्हू मर गई हैं साथ। और जब जनाजा उठी तब पतोइया, वो पतोइया जो ने गिलास पानी हाली नदी, वो ई मेर रोई अरराय गिरी धमाक से, फिर उठी हैं फिर छोड़ो गिरी, लागत है मामला यहू के आखिरी है, जिंदगी में गिलास पानी न दे हैं, और जब ससुर सास मरी हैं तो ई मेर रोई हैं कि दुनिया जान जाए कि बहुत ही का खला है। वो रोना हकीकत का नहीं, वो मक्कारी वाला रोना है, मक्कारी खुदा को पसंद नहीं है, रो रही हो। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, आने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। तो मौतें सबकी बराबर नहीं, आज आदमी मर जाए तो फौरन बर्फ की सिल्लियां लगाई जाती हैं, एक रात रोकना हो तो अब तो चारपाइयां तैयार हुई हैं एसी वाली, जी, बोलो जी, जी। लेकिन हजरत सुलेमान पैगंबर की जिंदगी देखो कि वो फिलिस्तीन जहां आज बैतुल मुकद्दस है जिसकी लड़ाई चल रही है, उस बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बा दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और बनवा रहे थे कि जिंदगी तमाम हो गई, मौत आ गई दाऊद अलैहिस्सलाम को। जब से दाऊद की मौत आ गई तो सुलेमान पैगंबर सोचने लगे कि मेरे बाप ने बड़े अरमान से इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन मेरे बाप की जिंदगी ने साथ न दिया, मेरे बाप की तमन्नाएं पूरी न हो पाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस घर को मैं बनाऊंगा ताकि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए कि जो चीज़ मैंने सोचा था नहीं कर पाया मेरी औलाद ने पूरी कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाने लगे, डंडा लिए थे और जिन्नातों से बनवा रहे थे, ये जो उन कहा थे कि उन्हीं इंसान हम इंसान इन्हों भला कोनो जिन्नात से कुछ कह के दिखाई लिए, कह के छोड़ दो, जो उन जिन्नात निगाह के लिए मार डारी पटकत पटकत, बोलो आज जिन्नात जी का पकड़ लेते हैं छोड़ते हैं जल्दी के छऊछे जाए परत है, या तो गादी सरकार के यहाँ बहरेज जाओ। और सुलेमान पैगंबर, अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था, जिन्नातों से कहे जिन्नात बना रहे थे, सुलेमान पैगंबर अपना डंडा लिए खड़े थे, बनाते बनाते अभी एक साल लगता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी मलकुल मौत आ गए और रूह निकाल लिया, मलकुल मौत का इंतकाल, सुलेमान का इंतकाल हो गया। लेकिन रवायतों में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह तो मलकुल मौत ने निकाल लिया, लेकिन सुलेमान ऐसे खड़े रहे, जिन्नात बनाते रहे, हफ्ता गुजरा, दो हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, यहाँ तक कि रवायतों में है एक साल लगा था बैतुल मुकद्दस की तामीर में, एक साल मुकम्मल सुलेमान अलैहिस्सलाम मरने के बाद भी डंडा लिए खड़े रहे, ना आँखें बंद हुई, ना चेहरा धूमल हुआ, ना कपड़ा गंदा हुआ, ना नाखून बढ़े, ना बाल बढ़े, जैसे थे वैसे सुलेमान पैगंबर एक साल तक खड़े रहे, बैतुल मुकद्दस बनता रहा। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो दीमक डंडे में लगी और डंडा गिरा, तब सुलेमान ज़मीन पर आए, तब लोगों ने देखा तो कहा रे इनको तो इंतकाल किए सालों गुजर गए। अब सोचो कि क्या नबी की तरह कोई हो सकता है, बोलो मेरे भाई है? आज जो उन कहा थे इन्हों मर जाए तो इनका ला के कोनो खम्भम बांध दो, तो कह देखो या तो गाँवे वाले भाग ले हैं
इतना बदबू करी है, है? नबी की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद फरमाया है, इतना दर्जा बुलंद है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सातों आसमान के ऊपर अरशे आजम है, लेकिन वो अरशे आजम भी हैरत में है। आला हजरत फरमाते हैं कि अरश के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, आसमान चक्कर लगाता है, अर्श भी हैरत में है कि हम इतने बुलंदी पर हैं और मोहम्मद की बुलंदी कहाँ है खुदा जाने। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो हजरत के उर्स में आए हो तो सोचो कि इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी कि दुनिया से चले गए, लेकिन आज इनके मानने वाले सब मौजूद हैं। तो आप भी वो काम करके जाओ कि दुनिया से जाओ तो मुसलमान आपको अच्छा कहें, ये नहीं कि मर जाओ तो गांव वाले कहाँ पाक हो गए आज गाँव, आज छुट्टी मिल गई ना। हदीस शरीफ में है कि रुए ज़मीन पर यह इंसान खुदा के गवाह हैं, हम सब खुदा के गवाह हैं, जिसको अच्छा कह दें अल्लाह भी अच्छा कह देता। हदीस में है मन قال المسلمون حسنا, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कहा, فهو عند الله حسن, तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही हो जाता। आखिरी गुजारिश आप हजरात से है कि इदारे का भरपूर ख्याल रखो, इदारे इस्लाम की जड़ हैं, इसीलिए हुजूर मक्का से जब मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा पहले मेरे नबी ने मदीने में बनाया था, जिस मदरसे का नाम था सुफ़ा, चबूतरा था, उसी पे गरीब साहबी बैठकर पढ़ा करते थे। आज मदारिस पर लोगों की निगाहें इसीलिए हैं कि मदरसों से इस्लाम फैलता है, मदारिस इस्लाम की जड़ हैं, इसलिए मुसलमानों अपने मदरसों को न भूलो, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। शादी ब्याह तो 10 लाख ना खर्च करो, 5 लाख ना खर्च करो, कम से कम में शादी कर लो और अपने बच्चों को वही पैसा तालीम में लगा के बच्चों को पढ़ा दो। मौलवी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि हम दूसरों के मोहताज न रहें। तो मदारिस का ख्याल रखो। और एक आखिरी बात वो ये है कि अपने माँ बाप को न भूला करो, कितनों भी तुम मर्तबे वाले हो जाओ लेकिन माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। मुसलमान हो, अगर ईमान है खुदा पर, खुदा की किताब पर, तो खुदा की किताब का फरमान है, अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए जनाह, दोनों बाजुओं को, ज़ुल्ल मिनर रहमा, अदब करते हुए अपने दिल में रहम पैदा करते हुए, कि जब अब्बा को देखो, अम्मी को देखो, तो अपने बाजुओं को झुका लो, अदब करो। वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह कहता मुझसे दुआ करो कि परवरदिगार माँ बाप पर तो रहम कर, जैसे दोनों बुढ़ापे, जैसे दोनों मेरे बचपन में मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। दुआएं भी करो, इनकी ताज़ीम भी करो और इनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन आज देखे थे चार लड़का है तो वसरी बंधत है, शनिचर के बड़कऊ खवई हैं, इतवार के मझिलकू के यहाँ रही, सोमवार के संझिलकू के और मंगर के छोटकऊ के यहाँ। अरे माँ बाप के लिए बारी लगा रहे हो, अफसोस है अफसोस है। वो माँ बाप जिसने तुम्हें किस मोहब्बत से परवान चढ़ाया है, बारी लगा रहे हो, क्या अकेले नहीं खिला सकते, इसलिए नहीं खिलाते हो कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैयत्तकिल्ला, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से डर कर माँ बाप को खिलाता पिलाता रहेगा, तो अल्लाह फरमाता है
यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता बनाएगा, वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। क्या बात, इतना देगा, इतना देगा कि बंदा सोच भी नहीं सकता। माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआ से तो सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता। बंबई में एक मदार है माहिम शरीफ के अंदर, हजरत मखदूम शाह की। मखदूम बंबई में उस जमाने में पैदा हुए थे जिस जमाने में कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, तो कोई कुरान बंबई, आवाज बंबई में देखो तो करोड़ों मौलवी तुमको मिली हैं, बोलो। उस जमाने में एक भी मौलवी नहीं कुरान पढ़ाने वाला, तो मखदूम यतीम थे, अब्बा नहीं थे, माँ थी। अम्मा से कहा, अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा, कैसे पढ़ोगे बेटा, है कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा, अम्मा मुझे बाहर भेज दो। कहा, बाहर कैसे भेज दूँ? कहा, क्यों, बड़े पीर को बड़े पीर की माँ ने जीलान नहीं भेजा था, बगदाद नहीं भेजा था, मुझे भी भेज दो। कहा, बड़े पीर की माँ के पास दौलत थी, अब बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, और तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो, बाहर भेज दूंगा, मेरा कोई नहीं, मेरी मुसीबत में मेरा काम कौन करेगा, बाहर न जाओ। तो कहा, तो कुरान न पढ़े। कहा, बेटा तुम्हारे नसीब में होगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला बंबई में आएगा, तुमको पढ़ा देगा। माँ की कहा मान गए, लेकिन दिल में हौसला था। सुबह हुई, माँ को खिलाया पिलाया, फिर माँ से इजाज़त लिया, चले गए समंदर, और समंदर के किनारे मखदूम घूम रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। दिन भर दुआ मांगते समंदर के किनारे, और शाम को मखदूम वापस आ जाते। कुछ दिन जाते रहे, दुआ मांगते रहे। एक दिन गए तो देखा कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत खिज्र कौन हैं? रवायतों में कि नबी हैं, बाद रवायतों में कि वली हैं, और नबी तो वली होता ही है। हजरत खिज्र खड़े हैं, मखदूम गए, हजरत खिज्र मुस्कुरा के फरमाते हैं, बेटा रोज़ाना यहाँ क्यों आते हो? कहा, कुरान नहीं पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि कोई कुरान पढ़ा देता। हजरत खिज्र फरमाते, बेटा मैं खिज्र हूँ, तू दुआ मांगा करता था तो अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल किया, मुझे हुक्म किया कि जाओ मेरे मखदूम को कुरान पढ़ा दिया करो। खिज्र ने कहा, बेटा रोज़ाना यहीं आना और हम तुमको कुरान पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन ये राज की बात है, कहीं बताना नहीं। हाँ ठीक। हजरत मखदूम आए घर, माँ को फिर सुबह खिलाए पिलाए, चल दिए, फिर शाम को आए, फिर रात भर रहे, सुबह फिर चल दिए। बड़ी खुशी रहती थी कि जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ अल्लाह ने अता कर दिया। एक दिन जब सुबह जाने लगे तो मखदूम की माँ ने कहा, बेटा कहाँ रोज़ाना जाते हो, बड़ी जल्दी करते हो। कहा, अम्मा ये राज की बात है, इसको न पूछो। तो मखदूम की माँ बिगड़ गई, कहते, बेटा राज की बात है, मैं न पूछूँ? क्या बेटा मुझसे भी कोई तुम्हारा दुनिया में करीबी है जिससे राज की बात बताओगे? बेटा मैं माँ हूँ, माँ से बढ़कर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, मुझसे नहीं बताओगे? तो जब ये बात कही तो माँ की मोहब्बत में बता दिया। कहा, अम्मां हम रोज़ाना जाते थे समंदर के किनारे, रो रो के दुआ मांगते थे कि अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, तो अल्लाह ने हजरत खिज्र को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। अब खिज्र मखदूम गए समंदर के किनारे, पूरा दिन खड़े इंतज़ार करते रहे, और खिज्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। तो मखदूम शाम को लौटे, रोने लगे। कहा, अम्मा आपने पूछ लिया राज की बात, उन्होंने मना किया था, पूछ लिया, आपकी मोहब्बत में बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आए, माँ अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? मखदूम की माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, उस्ताद हैं, नहीं आए होंगे, कल आएंगे, कल जाना। दूसरे दिन गए, फिर नहीं पाए, फिर आए, रोने लगे। कहा, बेटा घबराओ ने, परसों जाना, मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिज्र नहीं आए। शाम को मखदूम आए, माँ के कदमों में गिर गए। कहा, अम्मा गजब हो गया, आपने जिद किया, मैंने आपकी मोहब्बत में राज की बात बता दी, वो नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? तो मखदूम की माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, कल जाना। चौथे दिन जाने से पहले, चौथा दिन
कहा परस कल जाना, सो गए। रात में मखदूम की माँ उठी, वजू बनाया, दो रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रखकर दुआ मांगी कि अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने रास की बात मेरी मोहब्बत में बता दिया तो तूने खिज्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह खिज्र को भेज दे, अगर खिज्र नहीं आएगा तो मेरा बेटा मेरा ना फरमान हो जाएगा, मेरी कोई बात नहीं मानेगा। ऐ मौला मेरे हाथों की लाज रख ले और खिज्र को भेज दे कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले। सुभान अल्लाह। माँ ने रात में दुआएं मांगी, सुबह हुई मखदूम फिर गए समंदर, और जब गए तो देखा कि हजरत खिज्र पहले ही से खड़े इंतजार फरमा रहे हैं। जब गए मखदूम तो हजरत खिज्र मुस्कुराए, फरमाते बेटा नहीं माने, तुमसे मना किया था ना बताना। कहा हुजूर दुनिया का और कोई होता तो मैं टाल देता, लेकिन माँ थी, माँ ने कहा, माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिज्र मुस्कुरा के कहते हैं बेटा अगर तूने माँ के मोहब्बत में तूने बता दी तो तू सुन ले, आज की रात तेरी माँ की दुआ भी खुदा ने कबूल कर लिया। आ बेटा अब तुझे रोजाना नहीं आना है। खिज्र ने मखदूम को अपने सीने से लगाया और पूरा कुरान मखदूम के सीने में उड़ेल दिया। हजरत मखदूम लौटे तो हाफिज कुरान बन के लौटे। पता चला कि माँ बाप राजी हो जाए दुआ दे दें तो इल्म नसीब हो जाए, माँ बाप दुआ दे दें तो रिस्क नसीब हो जाए, और माँ बाप दुआ दे दे तो बीमारियों से शिफा भी मिल जाए। इसलिए लोगों माँ बाप की खिदमत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस उर्स को हमारी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बना दे और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। बहुत हो गया, खड़े हो जाइए। सलातो सलाम।